नमस्कार दोस्तों, मैं एम आई भूषण आपके अपने चैनल ऑक्सिंग डिजिटल इरा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके कुछ सवाल के जवाब उसी में छुपा हुआ हो। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, कुछ सवालों को मैंने थंबनेल पे भी लिखा था। ये सवाल टेलीग्राम, आपका जो अपना टेलीग्राम है ऑक्सिंग डिजिटल एरा, वहाँ से पिकअप किया गया है। ये रहा ऑक्सिंग डिजिटल एरा से कुछ पिकअप किया गया है और कुछ सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन से पिकअप किया गया है। इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब खुद मेरे पास भी है, क्योंकि इससे पहले ये सारे सवाल मैंने शक्ति जी से किया था और उसमें से कुछ सवालों के जवाब हमें मिले थे। और बहुत सारे सवाल जो कि अपने चैनल के माध्यम से आपका ही सवाल मैं शक्ति जी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करना है कि क्या ये सवाल जेन्युइन है या फिर इसमें से भी कुछ सवाल आपके रह गए हैं जिसे मुझे वहां तक पहुंचाना चाहिए था। बहुत तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, सिस्टम को आने के बाद हर तरीके का सवाल आ रहा है। उसमें से सबसे पहला सवाल यह है कि ऑक्सिंक जो बेब जीबी के नाम से आ रही है, ये कब से स्टार्ट होगी। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि ऑक्सिंक बेब जीबी के नाम से आ तो रही है, लेकिन ये स्टार्ट कब से होगी, कोई अप्रोक्सीमेट डेट है तो बताइए। पहला सवाल जिसका जवाब मैं वीडियो के बीच में या एंड में कभी भी दे सकता हूं। दूसरा सवाल ये है कि बीएम क्वाइन को लेकर के जो लोग बीएम क्वाइन खरीद रखे थे पहले से, उसके विषय में शक्ति जी का क्या ओपिनियन है। जो बीएम क्वाइन जो लोग खरीद चुके हैं उनका क्या होगा। तीसरा, जिनका माइग्रेशन हो गया था वो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका माइग्रेशन ही नहीं हुआ था, अभी किसी कारण बस वो माइग्रेशन नहीं कर पाए थे, उनका क्या होगा। इसके बाद वाला जो सवाल है वो सवाल ये है कि जिनका पैसा भेजा गया था माइग्रेशन के लिए और बीच में ही वो पैसा फंस गया था, ना तो कंपनी अप्रूव कर पाई और ना ही आप आईडी को माइग्रेट कर पाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इसके बाद एक सवाल और आता है डीडीसी को लेकर के, कि जो लोग डीडीसी लेवल पे अपना सिक्योरिटी मनी के रूप में कंपनी को पहले से ही पैसा दे रखी थी, उसका क्या होगा, उसका डीडीसी का क्या होगा। इसके बाद का जो सवाल आता है कि जिनका पैसा हमने अपने पास से अपने पैकेट से उठा करके दे दिया, पैसा आपने अपने पैकेट से दिया और उनकी आईडी अभी भी सिस्टम में लगेगी तो लगेगी ही, तो उसके आईडी के साथ क्या किया जाएगा, या फिर मैंने जो पैसा दिया उस पैसे का हिसाब क्या है, कैसे क्या होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके। अब आप जो भी सवाल आपको मिले, क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हाँ आपका सवाल सही है। ये सवाल मेरा नहीं, आप सबका सवाल है। मैंने 2-3 जगहों से इस सवाल को इकट्ठा किया है, लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह से कमेंट सेक्शन से मैंने इस सवाल को पिकअप किया है और पिकअप करने के बाद ये सवाल वहां तक पहुंचाया गया है। तो ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें से कुछ सवालों के जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। और ये सारे सवाल मैंने शक्ति जी को भी भेजा है। इसमें से दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका ऑलरेडी हमारे पास जवाब है, क्योंकि ये सवाल जो आपने किया है इससे पहले मैंने शक्ति जी से सवाल किया था और इसका जवाब मुझे मिला था। तो चलिए अब हम एक एक करके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि ऑक्सिंक और बेब जीबी के नाम से तो आ गए, यानी ऑक्सिंक बेब जीबी के नाम से आई, तो यह स्टार्टअप कब से हो रही है फाइनली। तो दोस्तों देखिए, अब तक मैंने जो भी डेट दिया है उससे 2 दिन आगे या 4 दिन बाद सिस्टम के अनुसार से चीजें प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आती चली गई है। अब आज भी जो डेट दे रहा हूं इससे 2-4 दिन आगे और 2-4 दिन पीछे लेकर के चलिएगा। 10 तारीख से पहले पहले
10 तारीख से पहले पहले का अनुमान है कि 10 तारीख तक आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब इसी में 4 दिन का डेट और लगा लीजिए, यानी 15 तक रख लीजिए, क्योंकि लोग हमारे माथे पे सवार हो जाते हैं ना कि आपने कहा था कि 10 तारीख को ठीक हो जाएगा, आपने कहा था 25 को हो जाएगा। अरे भैया, मैं भी एक एक्सपेक्टेड डेट देता हूँ, जो जानकारी आपको नहीं है वो प्रोवाइड कराता हूँ। अब इसमें खूटा गाड़ के थोड़ू बैठा हूँ यार कि इतना को ही होगा। चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ पे कोई आपको एक मैसेज नहीं दे रहा है, वहाँ बंदा अगर एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और आप लोग इस तरीके से तीखा तीखा सवाल करिएगा, तो जो उसके पास जानकारी रहेगा वो भी जानकारी नहीं देगा। समझिए सिस्टम को, समझ रहे हैं बात को? तो आप क्या मैंने बोला कि 10 तारीख से पहले पहले या 2 दिन आगे, 4 दिन आगे या 2-4 दिन पीछे आपका सिस्टम पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है बीएम क्वाइन को लेकर के। तो देखिए, बीएम क्वाइन जिन लोगों ने ले रखा है, जो नया वाला पीपीटी है वेब जीबी वाला, उसमें देखिएगा BMK लिखा हुआ है। अगर BM क्वाइन का फ्यूचर नहीं होता, अगर BM क्वाइन आपका सुरक्षित नहीं होता, तो वहाँ पे BMK क्यों लिखा जाता? उन्होंने साफ कहा है कि टाइम आने पर सारी चीज़ों का जवाब मैं दे दूंगा। ये सारी चीज़ें जूम मीटिंग में या लाइव सेशन में मैं खुद बताने वाला हूँ। क्लियर हो गया दूसरा सवाल। तीसरा, जिनका माइग्रेशन हो गया है वो तो चलो ठीक है, जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ उनका क्या? तो उन्होंने यही चीज़ें कहा है कि चलो ठीक है, माइग्रेशन नहीं हुआ, पुराने सिस्टम पे उनका आईडी था, उसका तो डेटा उनके पास होगा ना, तो उस डेटा से मैच करके उनका काम हो जाएगा। तीसरा, इसके बाद वाला सवाल, चौथा सवाल था कि जिनका पैसा भेजा गया था और माइग्रेट नहीं हुआ, तो उन्होंने क्लियर कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जिनका भी पैसा भेजा गया था तो उनका जो स्क्रीनशॉट होगा वो रखे हुए होंगे, ट्रांजेक्शन आईडी तो रखे हुए होंगे ना, उससे काम उनका हो जाएगा। अब सबसे लास्ट वाला आता है DDC लेवल पे। तो DDC लेवल पे जब मैंने सवाल किया था तो मेरे को जो जवाब मिला बस इतना ही मिला कि इसके विषय में जूम मीटिंग में हम बात करेंगे और इसके विषय में जितने भी DDC होल्डर हैं सबके पास मैं फोन करके इसके विषय में मीटिंग कर लूंगा और बात करूंगा, इसलिए इसके विषय में आप टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद आता है जिनका पैसा हमने अपने पैकेट से दिया है, तो उन्होंने यहाँ पे एक शब्द में ही रिप्लाई मुझे मिला कि इसके विषय में भी हम सोच रहे हैं और इसका हम एक अलग से रास्ता निकालेंगे। अब मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इतना क्लियर कट, इतना साफ शब्दों में बताने के बावजूद भी आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे अच्छा जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। साथ ही साथ अब हम आपको ले जा रहे हैं वेब जीबी के पोर्टल पे। देखिए, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके सामने सारी। चलिए वेब जीबी पे हम लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, वेब जीबी का पोर्टल खुल गया, वेबजी का पोर्टल खुला ना। अब देखिए यहाँ पे जो पहले क्या था, यहाँ पे ई पैनलिस्ट, ई कॉमर्स और एनट्यूब हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे अपडेट हुआ ना, ये दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इसके बाद इस तरीके से क्लिक करिए तो देखिए, पहले यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें रहती थी, सारा हट गया। इसके बाद एड्रेस में देखिए परिवर्तन है, आप खुद भी तो देख सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप खुद खोल करके देखिएगा, सारा चीज़ें परिवर्तन है। पहले यहाँ पे अबाउट सेक्शन में ऑक्सिंग कॉक्सिंग रहा करता था, अब वेब जीबी के नाम से है, ये चीज़ें नहीं थी जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है। इसके बाद यहाँ पे आइए तो यहाँ पे फॉर ऑक्सिंग लिख करके आता था, ये हट गया। ईमेल आईडी देखिए, ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हुई है। अब हम आते हैं ऑक्सिंग के अबाउट सेक्शन पे। तो यहाँ पे पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये सारी चीज़ें ऑक्सिंग को लेकर के थी, ऑक्सिंग लिखी रहती थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा वेब जीबी के नाम से आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर चल रहा है। इस तरीके से आप खुद भी थोड़ा सा छेड़छाड़ किया कीजिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से सारा चीजें आ गया है। देखिए यहाँ पे
ऑक्सिंग टॉप इस तरीके से कुछ आ रहा है, ये सारी चीज़ें हटाना पड़ेगा शायद सर, अभी बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब फाइनली ये है कि ऑक्सिंग कहीं जा नहीं रही है बल्कि वापस आ रही है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनानी थी, शॉर्ट हैंड में वीडियो बनानी थी जो कि बन चुकी है। जो भी इन्फॉर्मेशन्स होंगे टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि और भी कोई क्वेश्चन है आपका, तो उसे भी मैं पिक करूँगा, और जैसे ही सर से रिप्लाई मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।